जाओगे पंख लगा के चले जाओ, पहुंच जाओगे पहुंच जाएगा। गोइंग टू जटायू भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा। रिक्वेस्ट कर लेते हैं, डोसे का ऑर्डर दिया हमने अभी। छठे क्या बोलते हैं इसको, चटनी पा कोई और यार। पता नहीं क्या क्या है लेकिन जो भी है टेस्टी है, खा लेते हैं। ब्रो नारियल की चटनी नहीं क्या जो केरला में, जो केरला की फेमस है? पानी डाल दिया, पानी है क्या इसमें? यार इतनी मिलावट नहीं होनी चाहिए इसमें। हाँ ब्रो, बिकॉज वी आर फ्रॉम नॉर्थ इंडिया ना। चाय वाला कटारिया, चाय वाला आप क्यों रहे? ठेका नहीं मिला इसको इसलिए। साले तू आनंद अच्छी है क्या? वो मजा नहीं है ना नॉर्थ थोड़ा ना। लेट्स गो। लंच कर लेते हैं यार। ले भाई अपना फोन। वीडियो में मेरे को तुमने बोला नहीं? नहीं यार। रेस्टोरेंट को देख सकते हो आप, ये रिसेप्शन बाकी रेस्टोरेंट है।
और ये हमारे भाई लोग हैं। अविंदर सर जल्दी मुकवा ले यार, है भूख लग रही है यार। 5 मिनट का टाइम दिया है, 5 मिनट का टाइम दिया यार, आ जाएगा, डोंट वरी। इतनी मुशक्कत के बाद भाई पहुंच ही गए हैं ना। अभी यार ये बैग में डालो सर। ओके ओके सर, नो वरी सर, यू कैन पुट योर गॉगल ऑन योर आईज सर। रियली फर्स्ट ले लो क्या? वहाँ पे ऊपर जो है वो जटाई यूआर सेंटर है, तो अभी टिकट लेंगे उसके बाद ऊपर चलते हैं, पूरा एक्सप्लोर कराएंगे आपको जटाई यूआर सेंटर का। यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी, अभी पहुँचने वाले हैं बस थोड़ी देर में। दमन एनी ड्रोन? हाँ एनी ड्रोन? नो नो ब्रो। ओके यार वेरी कॉस्टली यार, यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट भी नहीं होती यार, आपको कैश देना पड़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होती यहाँ पे, तो आपको और सोसाइटी में कितनी हुई अभी? हमारे किले चढ़े नहीं है ना, इसलिए किले चढ़े नहीं। अरे हमने चढ़े हैं यार, योगा विलेज। भाई टांगों में दम चाहिए 800 सीढ़ियां चढ़ने के लिए। भाई साहब उधर 1800 कहाँ पे? 648 सीढ़ियां और बची हैं। हाँ केव, यहाँ पे केव आ गई ना, चलो भाई फोटो लेके इधर चलो यार, फोटो चलो चलो। लेकिन देखते हैं ऊपर जाके कैसी है जो जटायु की है मूर्ति बना रखी है उन्होंने, जैसे कि आदियोगी में बना रखी है शिव जी की, वैसे यहाँ पे जटायु की मूर्ति बना रखी है जिसे जटायु अर्थ सेंटर का नाम दिया गया है, और ये केरला में है, काफ़ी अच्छी लोकेशन में है और एनवायरनमेंट भी काफ़ी अच्छा है, देख सकते हो आप, जैसा हमारे हिमाचल में मिलता है रेनी फॉरेस्ट वैसे यहाँ पे भी है। बस 1-2 मिनट में पहुंचने वाले हैं वो रही अपनी बिल्डिंग,
जटायु की जो स्टैचू है। एरिया चेक कर सकते हो आप। बहुत दूर है यार। भाई आप जो है ओडन कोटोला इससे आइए तो ही अच्छा है, क्योंकि कॉस्टली तो है लेकिन इतनी चढ़ाई नहीं चढ़नी पड़ेगी आपको। बस 100 स्टेयर्स बची हैं फिर विल रीच आवर डेस्टिनेशन। थोड़ा बचा लेकिन काफ़ी पसीना पड़ गया, हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है अभी। खैर मुझे तो इतना माइंड नहीं होता क्योंकि मैं तो हिली एरिया से हूँ तो मुझे इतना फील नहीं हो रहा है, लेकिन जो लोग केरला राइट जो प्लेन इलाके से उनको उनके लिए थोड़ा सा है कि वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील कर सकते हैं क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है। आई थिंक अप्रोक्स 850 और 800 स्टेयर्स हैं, वो आपको उन फिर चलनी पड़ेंगे। बाकी देख सकते हो आप थोड़ा सा बचा है 100 स्टेयर्स, यहाँ पे भी लिख रखा है 143 स्टेयर्स, 143। फिर आप जो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँच जाओगे। ब्रो कैसा लग रहा है, पसीना देख सकते हो। चेक कर सकते हो आप यहाँ का नज़ारा, काफी हिमाचल की तरह मिलता जुलता है। देख सकते हो आप पहाड़ियाँ थोड़ी बहुत हैं लेकिन फिर भी लग रहा है कि जैसे मैं अपने हिमाचल में आ गया हूँ। हिमाचल जो वो हिली एरिया है देख सकते हैं, हम बहुत नीचे से आए हैं। मैन बहुत ज़्यादा चढ़ाई, अभी भी अप्रोक्स 70-80 स्टेयर्स बाकी हैं। ये देख सकते हो आप जटायु अर्थ सेंटर। हमने उसमें भी आ सकते थे लेकिन हमने सोचा कि आपको कैसा लगा जटायु? यंग तो हो आप, यंग हो। लाउड स्पीकर है, वेरी ब्यूटीफुल व्यू। आप जी हां, वेरी वेरी ब्यूटीफुल इज अ प्लेस, इज अ वेरी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल इमेज नाइस इज अ एरिया, इज अ कोल्लम, कोल्लम एरिया, डिस्ट्रिक्ट कोल्लम, डिस्ट्रिक्ट कोल्लम। क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट, ये पत्थर का था क्या असली में? नहीं है बाद में, ये ओरिजिनल लाया बनाया हुआ है। जब मर गया उसको प्लास्टर किया है, लेकिन ओरिजिनल नहीं है वो, पत्थर से बना के ऐसा करते हैं।
2 घंटा इधर से जाने का कुछ का रास्ता में जाओगे पंख लगा के चले जाओ पहुंच जाओगे पहुंच जाएगा। सो गाइस अभी वापिस जा रहे हैं हम।